हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से अपने दिल की बात करने जा रहा हूँ। ये बात कई बार मेरे मन में आती है पर किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। याद है स्कूल में नेशनल एंथम के लिए हम खड़े होते थे और साथ साथ में जोर जोर से गाते थे, और प्लेज के लिए हम हाथ आगे बढ़ाते थे और शपथ लेते हुए कहते थे, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। नहीं, पूरी प्लेज नहीं मैं सुना रहा, बस आपको कुछ रिमाइंड करवा रहा था। और जब हम कॉलेज पहुंचे तो ऐसा लगा यार, कॉलेज पहुंच गए अब तो जैसे हम राजा बन गए हों। ना कोई रिस्ट्रिक्शन, ना कोई यूनिफॉर्म, ना कोई लाइन में चलना, ना कोई टीचर से पिटाई का डर, ना होमवर्क की टेंशन। मूड हुआ तो क्लास लगाई, वरना बंक मार लिया। धीरे धीरे फाइनल ईयर तक हम सब भूल गए। डिसिप्लिन में रहना, स्कूल की प्लेज, इवन नेशनल एंथम टीवी या कॉलेज कल्चर प्रोग्राम तक ही सीमित रह गया था। और जब हमने अपना बिजनेस या जॉब करनी शुरू की तब प्लेज की वर्डिंग तक याद नहीं रही। हाँ, नेशनल एंथम कोई नहीं बोलता, वो नलायक से नलायक बच्चे को भी याद रहता है पूरी उम्र तक, पर हम सुनते कब हैं या अब गाते कब हैं ये नेशनल एंथम? क्रिकेट मैच या कोई स्पोर्ट्स मैच स्टार्ट होने से पहले, या मूवी थिएटर में? अब उसका भी सुन लो, ज्यादातर लोग मैच शुरू होने से पहले जब नेशनल एंथम आता है तो टीवी की आवाज म्यूट कर देते हैं या चैनल चेंज कर देते हैं कि ताकि नेशनल एंथम में खड़ा ना होना पड़े। तो क्यों करते हैं ऐसा? और कुछ लोग तो टीवी में नेशनल एंथम चल भी रहा हो तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं भी बज रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करते रहेंगे। मूवी थिएटर में जब नेशनल एंथम बजता है तो क्या सारे लोग खड़े होते हैं? कुछ नहीं भी खड़े होंगे, क्यों खड़े हों भाई, स्कूल थोड़ा ही है, उनका कोई चालान तो नहीं कर देगा, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनमें वो एंथुजियाज्म, पैट्रियोटिक फीलिंग बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर आप गूगल करोगे ना तो अलग अलग आर्टिकल मिलेंगे, कई लोग मूवी थिएटर में नेशनल एंथम चलाने के भी खिलाफ है। पर स्टेडियम में जब कोई मैच चलता है और मैच शुरू होने से पहले सब में पैट्रियोटिज्म भर भर के होता है। सब मैच शुरू होने से पहले जब नेशनल एंथम बजता है ना तो सब खड़े होते हैं, साथ में जोर जोर से गाते हैं। कहने का मतलब है कि जब लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक दूसरे को देख के सब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वो जब अकेले होते हैं तो भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे भूल जाते हैं, बट कई लोग भूल जाते हैं या जानते हुए भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। मैं आपको एक केस बताता हूँ, एक कोर्ट केस हुआ है हाई कोर्ट में केरला में 1986 में। वो केस था बिजॉय एनामल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो केस ये था कि जिहोवे क्रिश्चियनिटी के 3 स्टूडेंट्स को स्कूल में से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में नेशनल एंथम मॉर्निंग असेंबली के वक्त सब बच्चों के साथ नहीं गा रहे थे, गाते ही नहीं थे, मतलब कभी भी नहीं गाते थे। तो हाई कोर्ट में ये केस डिसमिस हो गया और फिर से केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और 11 अगस्त 1986 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंगली उन्होंने देखा कि नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ड्यूटी है, जिसको नकारा भी नहीं जा सकता। और कोर्ट ने कंक्लूजन दिया कि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है लॉ में
कि सबको नेशनल एंथम गाना होगा। वो बच्चे नेशनल एंथम होने के वक्त बड़े ही रिस्पेक्टफुली खड़े थे, बस साथ में गा नहीं रहे थे। आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट, और इसके अकॉर्डिंगली बच्चों को स्कूल से निकालना बनता ही नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि बच्चों को स्कूल में वापस लिया जाए। गूगल पर इस केस के बारे में काफ़ी डिटेल होंगी, आप उसमें सर्च करोगे नेशनल एंथम केस, विजय नामल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ऐसा काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। पर मैंने ये केस क्यों बताया आप लोगों को, बस इतना कि नेशनल एंथम की अहमियत हमें समझनी चाहिए। कहाँ एक स्कूल के बच्चों को नेशनल एंथम सिर्फ साथ में ना गाने के लिए चुप रहने से कोर्ट में लेके गए बच्चों, और कहाँ हम नेशनल एंथम में खड़े भी नहीं हो सकते यार। मैं अपनी बात करता हूँ ना, तो यस मैं हमेशा नेशनल एंथम में खड़ा भी होता हूँ, और कहीं भी नेशनल एंथम की जब ट्यून बजती है ना तो मैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं ज़ोर से नहीं गाता तो अपने मन में गाता हूँ। बस यही थी मेरे दिल की बात। डू रिस्पेक्ट अवर नेशनल एंथम, ऑलवेज स्टूड फॉर नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।